मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो उसमें स्क्रीन शेयर में यस सर, आज जो मैं क्लास ले रहा हूं वो श्री वैष्णव पटनी कॉलेज इंदौर के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से क्लास है। इसमें पाठ्य योजना जो बनाई गई है वो क्लास टॉपिक या प्रशिक्षक के लिए बनाई गई है। कृपया आप लोग अपने उसको म्यूट कर दें, यदि कोई क्वेश्चन होगा तो उस समय अपन सवाल जवाब कर लेंगे। किसी भी क्लास को पढ़ने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अभी तक हमें क्या आता है। वी नो अबाउट VCR सिस्टम या वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय। तो इसमें अभी हम क्लास शुरू करने के पहले थोड़ा सा ये करेंगे कि इसके बेसिक एलिमेंट कौन से होते हैं और इसकी कार्य प्रणाली क्या है ना। तो अभी मैं यहाँ पर एडमिट भी आ रहा है ना, अभी एक मिनट जरा मैं इनको एडमिट और कर लूं। कौन कौन आ रहा है देखें, कृपया समय का ध्यान रखें क्योंकि अपनी क्लास जो है ना एक्चुअल में देखा जाए तो टाइम पे शुरू हो जाती है। तो मैं क्लास शुरू करता हूं। यहां पर आपको शायद अब स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेफरेंट की, और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि बेसिक कंपोनेंट के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं। Is it working or not? Let me see. आप लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन पर जो मेरे नोट्स हैं वो दिख रहे हैं क्या? नो सर, नहीं सर, अभी नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा शायद कनेक्टिविटी का इशू था। यस सर, नेटवर्क इशू है। हाँ, नेटवर्क इशू है, बट इट विल बी कंटिन्यू हो जाएगा। देखिए अभी मेरे पास ही सिग्नल नहीं आ रहे हैं। क्या है भाई, तो भारी हो गए क्या है? चलिए अब सभी आ गए स्क्रीन पर। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, क्लास नोट्स शेयर करते हैं, अपन इसको देखते हैं। अब दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा। स्टार्ट भी नहीं दिख रहा, आ रहा है सर्वो सेव एक ऑप्शन आ रहा है और बफरिंग हो रही है। नहीं, ये आपको कोई वर्ड की फाइल दिख रही है क्या? नहीं सर, नो सर। आप आइए सर। यस सर, ऐसे दिखिए। यस सर, आ गई ना? यस सर। तो अपन अब इसमें आज की जो पाठ्य योजना है वो अपनी प्रशीतक की है, विषय का नाम। और इस क्लास को शुरू करने के पहले अपन ये जानना चाहेंगे कि हम क्या जानते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के पहले। तो उसमें मैंने दो पॉइंट लिखे हैं कि VCR सिस्टम या वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय के मूल अवयव कौन कौन से होते हैं, और दूसरा इसका कार्य प्रणाली। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं मूल अवयव? आप लोग बताना चाहें तो बताइए, जो भी बताएं। बेसिक कंपोनेंट VCR में सबसे पहले कंप्रेसर, वेरी गुड। हाँ सर, कंडेंसर, वेरी गुड, कंडेंसर, और कोई भी बोल सकते हैं बीच में। हाँ, ये चार इसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं आप, ठीक है? तो वर्किंग के लिए हम एक एनिमेशन की मदद ले रहे हैं, अभी एनिमेशन चालू हो रहा है और वो मैंने एनिमेशन यूट्यूब से लिया हुआ है, और इसमें आप एनिमेशन देखेंगे। इस एनिमेशन में आप देखेंगे, मैं यहाँ पर बताता चलता हूँ आपको कि अभी जो हमने चार कंपोनेंट की बात करी है उसके बारे में देखें। तो VCR सिस्टम है, VCR सिस्टम में जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं चार लगे हुए हैं, ठीक है ना? ये वाला जो है ये क्या है आपका? कंप्रेसर। यस सर, दिख रहा है ना कंप्रेसर? यस सर, यस सर। ये आपका यहाँ पर ये क्या होगा कंप्रेसर के बाद? नहीं दिख रहा सर, बताइए। कंडेंसर, स्क्रीन पर दिख रहा है? सर, ये आपका कंप्रेसर, इसके बाद ये क्या होगा? कंडेंसर, कंडेंसर होगा, फिर ये क्या होगा? एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन वाल्व। यस सर। तो अब आप इसमें देखेंगे ये नाम आ गए हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर,
लेगा रेफ्रिजरेंट को और पॉइंट थ्री तक क्या हो जाएगा इसमें किसमें कन्वर्ट कर देगा ये हाई प्रेशर वेपर में हाई प्रेशर हाई प्रेशर वेपर होगा या लिक्विड होगा वेपर ये देखिए वेपर्स वो अपनी उष्मा को निष्कासित कर रहा है कंडेंसर या संघनित्र में क्या करता है उष्मा को निष्कासित कर रहा है क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा है ये हमारी शुरुआत है हमको बात तो इसी रेफरेंस की करना है कि ये अपनी उष्मा को अब अपन इसके बाद देखें कि ये क्या हो रहा है अब इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर कि तीन से चार के दौरान जो है ये एक्सपेंशन वाल्व लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है लो प्रेशर लिक्विड और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर यदि अपन देखें कि रेफरेंट हमारा एम दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर कंडेंसर में ये अपनी उष्मा को सराउंडिंग को दे रहा है वातावरण को दे रहा है जबकि ये जो ब्लू उससे हीट स्टेट कर रहा है क्लियर यस सर इतना हमको आता था सही है ना इतना तो हमको आता था अब हम इसके आगे चलते हैं कि हम ये समझ गए हैं कि चार मूल कंपोनेंट है इसके ठीक है ना कंप्रेसर कंडेंसर इवेपोरेटर और बीच में क्या है एक्सपेंशन डिवाइस है ना सर और हम उसकी वर्किंग भी समझ गए हैं यस सर ठीक है ना अब क्लियर इसमें किसी कोई डाउट नो सर हो गया अब मैंने कल आपको ये दिया था कि हम आज की क्लास लेने के पहले कुछ आपने YouTube पर ये वीडियो देख लिया है जो मैंने भेजा था राइट ऐसा मैं मानता हूँ और उसके बाद है ना उसके बाद आपने इसमें जो मैंने नोट्स दिए थे उसके पेज नंबर 6-9 तक पढ़ लिए हैं अब इसमें हो सकता है आपको कुछ डाउट हो तो आपने बुक या टीवी के टॉपिक को पढ़ लिया है ठीक है अब हम परिभाषा क्या आप दे सकते हैं यस सर दे सकते हैं आपकी भाषा में जरूरी नहीं है कि जो आपने करा हो और साथ साथ हमको वर्गीकरण प्रशीतकों का आना चाहिए तो ये दो प्रकार से होता है एक उद्देश्य के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन यहाँ तक का मैंने आपको वर्ग दिया था कि आप इसको पढ़ करके आए ठीक है यस सर अब आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रशीतक की परिभाषा की करेंगे तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है जो भी आपके दिमाग में है उसमें आप इन पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखें वो हमारा क्या है सब्सटेंस या वर्किंग फ्लूइड कार्यकारी फ्लूइड है yes, sir. जो कि ऊष्मा का निष्कासन करता है रिजेक्ट करता है कहां पर कंडेंसर में या फिर अवशोषण करता है और जो ऊष्मा का करता है वो किस रूप में करता है या तो सेंसिबल हीट के रूप में या फिर लेटेंट हीट के रूप में तो अब प्रशीतक की परिभाषा को यदि हम एक लाइन में बोले तो हम उसको इस प्रकार से सब्सटेंस या वर्किंग फ्लूइड है जो कि उस हीट को कंडेंसर में रिजेक्ट कर सके और इवेपोरेटर में एब्जॉर्ब कर सके या तो सेंसिबल हीट के रूप में या फिर लेटेंट हीट के रूप में क्लियर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए फ्लूइड दूसरा कैपेबल ऑफ रिजेक्टिंग हीट इन कंडेंसर और एब्जॉर्बिंग हीट इन इवेपोरेटर ठीक है आइदर इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल और लेटेंट हीट ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी कि प्रशीतक की परिभाषा लिखी है तो अब आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये पॉइंट इसमें से कोई भी ना छूटे पहली चीज वर्किंग फ्लूइड दूसरा हीट रिजेक्शन या एब्जॉर्प्शन सेंसिबल अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट पर समझ में आ रहा है चलिए अब प्रशीतकों का जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं उसका पहला आधार है सेकेंडरी प्राथमिक और द्वितीयक तो इसमें जो है अगर हम घर के रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लें हमारे घर के फ्रिज का तो उसमें जो फ्रियान आप देखते हैं वो रेफ्रिजरेंट है तो वो जो चलता है कहाँ कहाँ चलता है इट फ्लोज इन ऑल बेसिक कंपोनेंट मतलब कंप्रेसर में भी वो करेगा एक्सपांशन वाल्व में उसका प्रेशर डाउन होगा एक्सपांड होगा और इवेपोरेटर में क्या होगा बताइए हीट को एब्जॉर्ब करेगा क्लियर तो हमारे फ्रिज में जो फ्रियान ग्रुप का जो रेफ्रिजरेंट डला हुआ है वो कौन सा है प्राथमिक या प्राइमरी ठीक है अब हमारे ही फ्रिज में एक और रेफ्रिजरेंट है जो रखे सबसे नीचे सब्जी रखी उसके ऊपर आप सामान रखते गए और सबसे ऊपर में आपने क्या रखा बर्फ बर्फ जमती है ठीक है ना तो अब ये जो बर्फ है अब इस बताए केवल हमारे बर्फ वाले पोर्शन में आइस वाले चेंबर में वहीं पर कॉइल रहती है ठीक है ना वो बाकी के नीचे नहीं रहती है तो अब बाकी नीचे का सामान कैसे ठंडा होता है वो कैसे ठंडा होगा आपका
कि एवोपरेटर में जो भी तो ऊपर की ओर उठेगी तो वो वहां पर क्या करेगी, नेचुरल रूप से कहां जाएगी आपके आइस चेंबर में, वहां पर जाकर के वो क्या होगी ठंडी, कहां आएगी ठंडी होने के कारण डेंसिटी डिफरेंस कारण कहां आएगी नीचे, और वो बाकी के सामान को ठंडा करते हुए इस तरीके से नेचुरल फ्लो होगा। सेकेंडरी रेफरेंट ये कहां पर है, केवल एवोपरेटर में। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि प्राइमरी हमारे सारे कंपोनेंट में होगा रेफरेंट। घर के रेफ्रिजरेटर का हमने एग्जांपल ले लिया है जिसमें फ्रियान ग्रुप का R22 पुराने में चलता था, अभी में R134A है, नाम में ले रहा हूं जिससे आप कभी फ्रिज में देखें उसके स्लिप लगी है कौन सा रेफरेंट है। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो फ्रियान ग्रुप का है वो प्राइमरी है क्योंकि वो सारे बेसिक कंपोनेंट में है, जबकि एयर का कहीं नाम नहीं है लेकिन वो एयर हमारे पूरे फ्रिज को ठंडा रखे हुए है, राइट। इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी। मतलब बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि जो सारे बेसिक कंपोनेंट में केवल एवोपरेटर में होता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी। तो अब आपको ये भी आ सकता है तीन नंबर में कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी रेफरेंट। तो आप डिफरेंशियल मैंने यहाँ लिखी है पॉइंट के रूप में, एग्जांपल मैंने घर के फ्रिज का ले लिया है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं तीन नंबर में। यस सर। तो क्या पढ़ लिया अभी अपन ने कि पर्पस के आधार पर जो रेफरेंट है वो हमारा क्या चल रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, में भी नहीं आया होगा कंपोजिशन, यानी कि हमारा रेफरेंट मिलके किससे बना हुआ है, कौन कौन सी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो उसमें कई है, यहाँ पर एजियोट्रोप्स है, ये मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ आप आगे क्लियर हो जाएंगे। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास पहला होता है हेलो कार्बन, ठीक है। ये हमारा इसको हम कहा से लिख रहे हैं, एफ लिखा है ना। Yes, sir. अब yes, sir. इसमें yes. जो F है कई जगह पर F की जगह पर R भी हम लिखते हैं। R हमारा बताता है क्या, रेफरेंट, और F क्या बताता है हमारा कि ये फ्रियॉन है, ठीक है। मतलब सकते हैं या तो आप R लिख दें या फिर क्या लिख दें F और उसके बाद क्या लिखें आप नंबर, ठीक है। yes, अब इसमें हेलो कार्बन में इसको हेलो कार्बन बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें हेलो कार्बन में हेलोजन ग्रुप के कंपोनेंट होंगे। पहली चीज हेलोजन, थोड़ी सी केमिस्ट्री आप याद करें, ब्रोमीन आयोडीन नहीं लेकिन आपको क्लोरीन मिलती है, और इसके साथ क्या होता है कार्बन, कार्बन में क्या होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हेलो कार्बन जो होते हैं वो ये सकते हैं या आर के द्वारा, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। आप R22 भी लिखेंगे तो भी सही है, F22 लिखेंगे तो भी सही है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाता हूँ जिससे कि अपन नेक्स्ट शेयर पर चलेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। आप इसके सूत्र से ना घबराएं, लेकिन आप कुछ नाम जानते हैं, मीथेन yes, जानते yes, हैं CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, प्रोपेन में क्या हो जाएगा CH4, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C2H6, एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। ये इसके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा वाला जो होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अलावा असंतृप्त, आपको ये पता होगा कि कार्बन में बैलेंसिंग होती है 4, ठीक है ना, लेकिन कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ बन सकते हैं। तो जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो क्या कहलाता है अपना, असंतृप्त, उसको राइट। तो CnH2n के फॉर्मूले पर देखें यदि हम इनकी वैल्यू 2 रखें तो क्या हो जाएगा C2H4 इथिलीन, राइट। और यदि हम इस वाले फॉर्मूले में रखें तो इसमें आप एंटी वैल्यू बनाएं क्या हो जाएगा C2H2, इसको क्या बोलते हैं एसिटिलीन, क्लियर। एसिटिलीन नाम सुना होगा, इथेन THANE C2H6 होता है, जबकि पीएच यहाँ पर ई मैंने रेड किया हुआ, ये क्या होगा अनसेचुरेटेड इथिलीन C2H4, जबकि इसमें वाई आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा C2H2 एसिटिलीन, ठीक है। अभी आप चिंता ना करें, बोलते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये नोट्स में आपको दूंगा। हाँ बोलिए सर, हमारी स्क्रीन पे वो शो नहीं हो रहा है, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी। सर मेरे भी स्क्रीन पे वही हो रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी। सुनिए अब एक काम करते हैं कि अभी चूंकि हमारे टाइम 10 मिनट बाकी, किसी और किसी नंबर सुन रहा है क्या? नहीं हो रहा सर, किसी और स्लाइड ही है, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन। कौन सा वाला, प्राइमरी और सेकेंडरी वाला है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट वाला। अच्छा अभी वो आ रहा है समझ में, अब कर रहा है वो नहीं कर रहा सर, नहीं सर, अभी आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, नहीं आया सर। इसको स्टॉप करता हूं और इसके बाद फिर अब यहाँ पर खोल के फिर चालू करता हूँ, ठीक है ना। वो क्या है कि यहाँ पर जो है ना
मैं यहाँ पर इसको खोल देता हूँ, ये तो खुला हुआ है, होना चाहिए इसको स्क्रीन शेयर, बट चलिए मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि ये शेयर होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ, ये अब आया क्या? हाँ अब शेयरिंग हो रहा है, होने दीजिए इसको अभी। एक्चुअली क्या है, ऑनलाइन में ये इशू है कि अपना टाइम लेता है बफरिंग में, ये लाइव में नहीं होते। बाद ये जो है क्लास जो है ना अपनी, यहाँ पर ये बंद होना, बंद करना पड़ेगी क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा नहीं ले पाते हैं। तो मैंने एक और अभी व्हाट्सएप किया है आपके ग्रुप पर, नई आईडी और नया, ठीक है ना? तो आप जैसे बंद हो उसके बाद फिर आप शुरू कर लीजिएगा। अब कुछ दिखना शुरू हुआ स्क्रीन? नहीं दिख रहा है अभी तक सर, वही चल रहा है, इशू आ रहा है। क्या आ रहा है? बफरिंग मरी सर। आया कुछ? नहीं आया। नहीं सर। सर आ गया, सर आ गया, आ गया, अब शुरू। तो अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हेलो कार्बन, हेलोजन ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन होने के कारण हम इसमें या तो इसको F से लिख सकते हैं या R से। फ्लोरीन का मतलब यहाँ पर होता है फ्रियॉन, इसको अपन फ्रियॉन ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें आप F11 लिखे या R11, बात सेम है। इसके बाद अपन आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीथेन +2 से बताते हैं, ठीक है? एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो CH4 आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो इथेन आ जाएगा, 3 रखेंगे तो प्रोपेन आ जाएगा, ठीक है? और असंतृप्त यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये एन की वैल्यू पहले वाले में रखेंगे तो आप C2H4 हो जाएगा, इसको अपन रखेंगे सेकंड फार्मूले में तो हो जाएगा इथाइन। बेसिक डिफरेंस समझिए, ANE मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ENE हो गया तो कार्बन का क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस सर। ये चीज समझ में आई? यस सर, थोड़ा बताया। अब इसके बाद अपन आते हैं, वो है अपना इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक। कुछ नाम आपने सुने होंगे, अमोनिया सुने हैं ना? यस सर। पानी, ये स्क्रीन मतलब क्या हो गया, H2O। एयर, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक रेफरेंट। दिख रहा है? दिख रहा है ना, अकार्बनिक रेफरेंट। और उसके बाद में फिर जो है अपना आखिरी होता है करें, तो इसमें हम हेलो कार्बन रेफरेंट को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, दो को मिला करके एक नया 501, 502, 503, 504, ठीक है? तो अब आप इसमें अभी मैं अभी ये क्लास यहाँ पर अभी खत्म हो जाएगी क्योंकि टाइम हो रहा है, लेकिन इमीडिएटली ये चालू होगी, तो आप में एंड में इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे कि अकार्बनिक में आप देख रहे हैं कि आप नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, R700, उसके आगे कुछ नंबर होंगे दो, R5, में जो 500, 501, 502, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप संतृप्त में और असंतृप्त में आप नाम से हैं तो इनके अपन नंबर बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर ये मीटिंग को एंड कर रहा हूँ अभी, और नई वाली मीटिंग हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? रेडी से आप आ जाएं, इसमें 16 लोग आए थे, तो आप नाम आपको पता ही है कौन कौन होंगे, तो आप मुझे बता दीजिएगा।